गुड मॉर्निंग, कैसे हो यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी इस वॉल को, मतलब गंदी गंदी हो गई थी तो इसको मैं क्लीन कर रही थी। एक सेकंड रुको, इसको मैं क्लीन कर रही थी। इस पे क्या होता है कि सरफ का कपड़ा मार दो ना, सरफ से कुछ भी कोई कपड़ा लेके मार दो तो एकदम चमक जाती है। और ये गंदी सी हो रही थी तो मैंने अभी पानी लेकर आ गई हूँ मैं, और इसको वॉल को क्लीन करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब भी आपकी जो पेंट होता है ना गंदा हो जाए, तो उस पर आप अगर सरफ का कोई भी कपड़ा या कुछ भी लेके मार देंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा चमक जाएगी। और बहुत ज़्यादा यार, इससे पहले की वीडियो है ना, मतलब ट्राईपॉड ने इतने खून पी रखा है ना मेरा। और मैंने नया ट्राईपॉड वैसे ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। चलो तो फिर, आई होप आपको ये मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है। क्लीनिंग वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम कर रहे हैं अपने रूम का मेकओवर। वॉल तो क्लीन हो ही गई हैं, आपने देख ली हैं, और ये हैं पर्दे मैंने निकाले हैं। अभी मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि किस तरह का रूम हो रहा है, किस तरह का फैला हुआ है। अभी आप रूम की सिचुएशन देख लीजिए और उसके बाद बिफ़ोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये देखो टेबल है ना, ये जो इस पर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। बेड की बेडशीट भी चेंज करनी है मुझे, तो ये सब ऐसे पड़ा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो फिर रूम जल्दी जल्दी से क्लीन करते हैं। यहाँ पर तो चल ही रहा है मेरे रूम का मेकओवर। और ये जो मैं रेड कलर के कवर चढ़ा रही हूँ, ये मैंने ही, मतलब मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे को कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था सिलाई में, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। ये मेरे कर्टेन थे, तो कर्टेन को ही, मेरे को एक्चुअली मशीन चलानी भी नहीं आती। और यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि ये देखो कितनी मेहनत लगती है, ये मैं रूम इतने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो चलो आओ देखते हैं रूम। तो यहाँ से एंट्रेंस है और मेरा रूम ऊपर का है, तो मैंने ये दो शेड के पर्दे लगा दिए थे आपको। और ये देखो इसकी दीवार बहुत टूटी टूटी हो रही है, क्योंकि बहुत पुराना है। तो यहाँ रूम में आते हैं, तो ये मैंने बिछाई है बहुत सुंदर सी रेड कलर की, मैरून कलर की बेडशीट, जो मुझे मेरी मम्मी ने ही दी थी। और ये मैंने वही बताया आपको, मैंने टू शेड में कर्टेन लगाए हैं। और मुझे भी मन था कि मैं भी अपने रूम के मेकओवर करूं और अच्छे से वीडियो बनाऊं, तो ये बहुत सुंदर है। और इसके साथ दो कुशन भी हैं, कवर भी हैं। तो ये देखो
मतलब इससे ना एक रॉयल सा लुक आ जाता है इस बेडशीट से। और ये इस बेडशीट को 11 साल हो गए, आप लगा लो 11 साल से मैंने संभाल के इसे रखी हुई है, जो मुझे मेरी शादी में ही मिली थी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। और ये रेड कलर के ये जो सोफ़े के कवर हैं, ये मैंने आपको बताया कि मैंने ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बनाया, मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है। ये हैं मेरे चुन्नू मुन्नू जो टीवी देख रहे हैं, जो अभी नहाकर ही आराम से बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, नाश्ता वगैरह सबका हो गया। ये देखो टेबल, और टेबल के नीचे मैंने एक कालीन बिछा दी थी, छोटा सा है बट लेकिन साफ़ सुथरा बहुत सुंदर लग रहा होगा आपको रूम। ये देखिए मुझे बहुत सुंदर लगता है अपना रूम, चाहे कैसा भी है यार, ठीक है, लेकिन उसको मेंटेन करना वो आपके हाथ पे होता है। और मैंने पहले आपको टेबल दिखाई थी ना, टेबल पे कितना कुछ सामान रखा हुआ था, जिस पे इंडक्शन रखा हुआ है इस साइड में, तो वहाँ पे भी मैंने सारा सामान वगैरह हटा दिया है, सब कुछ हटा दिया है मैंने। और रूम मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा था। और ये हूँ मैं जो वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, पसीनों में हो रही हूँ। और ये देखो, ये मेरे हस्बैंड का, ये होता है ना दिल्ली पुलिस वालों का वायरलेस, वो है ये, तो ये लेकर आते हैं, तो मैं दिखा रही थी। मैंने कहा यार मेरा भी बड़ा सपना था कि काश मैं दिल्ली पुलिस में जाती, और मेरा होता, मतलब सपना सपना ही रह गया। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं ये स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शेयर करूँगी, आप लोग बताना। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।